माघ मास महात्म्य अध्याय 19 व 20। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर आईं तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज हम थक गए हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने कन्याएं वहां पर जाने लगीं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आए। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर करती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के वे पास गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगीं कि मूर्ख, तू उस दिन भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता है, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि वह जिस आश्रम में रहे उस धर्म का पालन करे, और आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर के कन्याएं इस प्रकार बोलीं जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगीं कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त कर सकता। तब कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि और अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहां हम अनोखी नारियां, कहां आप तपस्वी बालक। यह वेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार के वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ करके उसको पकड़ लिया। ये देख करके ब्राह्मण को क्रोध आया और ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझे पकड़ रही हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरापराधियों को व्यर्थ क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस आच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आए। उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत उनको सुनाया।
और कहा कि हे मुनिवर, ये सब ही शाप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनंदी ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनंदी से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस में ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेदनंदी कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बहुत दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक मार्ग स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में मार्ग स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप मार्ग में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस आच्छोद में स्नान करने से ही अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान का होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। तो ये थी माघ मास महात्म के अध्याय 19 और 20 की कथा। नमो नारायण।